वेलकम वेलकम बच्चों की दुनिया में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बना रहे हैं अचारी पकोड़े जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रमज़ान स्पेशल रेसिपी आप इफ्तारी में सर्व कर सकते हैं, तो एक नए अंदाज़ में, एक मुनफरद अंदाज़ में हम लोग पकाएंगे, तो इंशाल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो आइए देखते हैं कि ये रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स है, तो ये हमारे पास बेसन, तो इसकी क्वांटिटी है 2 कप्स यानी कि 2 कप, और इसे हम लोग छानेंगे जब हम पकोड़े बनाएंगे। सो बस ये हैं 2 अदद आलू दरमियाने साइज़ के, तो इन्हें हम लोगों ने काट लिए, पहले धो लिए और हम लोगों ने इसे इतने पीसेस में काट लिए। सो बस ये हमारे पास है अचार यानी कि पिकल, तो ये आप लोगों ने मिक्स अचार नहीं लेना, सिर्फ मैंगो और कैरेट का लेना है, और इसकी क्वांटिटी है 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पे हमारे पास है प्याज यानी कि ऑनियन, और इनकी क्वांटिटी है 1 दरमियाने साइज़ की प्याज लिए हम लोगों ने, और यहाँ पे 2 टेबल स्पून हमारे पास है कोरिएंडर यानी कि धनिया। सो व्यूअर्स हेयर आर सम स्पाइसेस, तो ये हमारे पास है काला नमक और इसकी क्वांटिटी है 1 टेबल स्पून, और ये हमारे पास बेकिंग पाउडर, इसकी क्वांटिटी है 1/2 टेबल स्पून, गिंगर पाउडर हम लोग लेंगे 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर हम लोग लेंगे 1 टेबल स्पून, चाट मसाला पाउडर लेंगे हम लोग 1/2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे हम लोग 1 टेबल स्पून, और कसूरी मेथी हम लोग लेंगे 1 टेबल स्पून। सो बस ये हम लोगों ने लिए 1/2 टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून हम लोगों ने लिए ऑयल, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, और 1 बड़े साइज़ के हम लोगों ने लिए हरी मिर्च और इसे काट लिए, और पानी हम लोग लेंगे हसब ज़रूरत। सो बस सारी चीज़ें हम लोग सेट पे कर लेंगे और नज़दीक लेंगे बेसन, और इसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग कुछ स्पाइसेस, तो बेकिंग पाउडर हम लोग अभी नहीं ऐड करेंगे, वो हम लोग एंड में ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे काला नमक, आप चाहे तो वाइट नमक भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे अदरक पाउडर, ऐड करेंगे ज़ीरा और चाट मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुटी हुई लाल मिर्च, कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पोटैटोज यानी कि आलू, अचार। सोए जब हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, तो चलिए मिलते हैं मिक्स करने के बाद। सो वेज अब हम लोग हंस पे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे इसे, तो आप लोगों ने इसे गूंदना नहीं है, बस इसे हल्का सा लिक्विड कर दे रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने पानी ऐड करना है, एकदम से नहीं सारा पानी ऐड कर देना, तो जितनी ज़रूरत होगी तो उतना ही हम लोग ऐड करेंगे। तो चलिए अच्छे तरीके से ये जब एकदम रेडी हो जाएगा। सो बस बैटर को हम लोगों ने एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, तो आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, तो ये अब एकदम रेडी है फ्राई होने के लिए। तो अब हम लोग दूसरी तरफ कढ़ाई रख लेंगे चूल्हे पर। सो बस ले लेंगे हम लोग कोई सी भी कढ़ाई जो नॉर्मली आपके घर में मौजूद होगी, तो उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 2 कप ऑयल, मैंने जो आपको दिखाया था वो मैंने 1 कप दिखाया था, लेकिन जब हम लोग ऐड करेंगे तो 1 और कप मैंने ऐड किया, तो आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं फ्राई करने के लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम लोग फ्राई करना स्टार्ट करते हैं, तो आप चाहे तो चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं और हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, तो मैं चम्मच की मदद से कर रहा हूँ,
तो ऑयल हमारा एकदम गर्म हो चुका है, नीचे से फ्लेम मीडियम है। तो पहले हम लोग ऑयल हाई फ्लेम पर गर्म कर लेंगे और फिर फ्लेम लाइट कर लेंगे, मीडियम कर लेंगे। तो इस तरह हम लोग ऐड करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। सो व्यूअर्स, इस तरह हम लोग पहले एक साइड से पकाएंगे और जैसे ही एक साइड से कलर चेंज हो जाए तो फिर हम लोग पलटा देंगे। सो व्यूअर्स, कलर चेंज होने के बाद हम लोगों ने पलट दिए थे तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आया। तो अब हम लोग अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और फ्लेम हम लोग मीडियम रखेंगे, कि ये ना कि फ्लेम अगर आप हाई रखें तो बाहर से तो बाहर पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूअर्स, कलर चेंज होने के बाद हम लोग इसे निकाल लेंगे किसी भी डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टॉवल प्लेट में मैं निकाल रहा हूँ। तो इस तरह सारे निकाल देंगे हम लोग। तैयार है हमारे ज़बरदस्ती अचारी पकोड़े, तो बहुत ही मज़े के बने हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ बच्चों की दुनिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में जो आइकॉन है उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी, हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।